आज आसान भाषा में आपको ब्रेग्जिट का बवाल समझाएंगे। ब्रेग्जिट का बवाल एकदम सही तुकबंदी फिट हो रही है, तो किस बात का बवाल है? थेरेसा मे का कौन सा प्रस्ताव है जो ब्रिटेन की संसद में गिर गया, और भारतवासियों को इन सब के बारे में जानकारी क्यों रखनी चाहिए? पहला सवाल, ब्रेग्जिट मामले में हुआ क्या है? ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। तारीख तय है 29 मार्च 2019, लेकिन अलग होने के लिए जिन शर्तों को पूरा करना है वही फाइनल नहीं हो पा रही हैं। ईयू से तलाक की शर्तें क्या होंगी, अलग होने के बाद कैसे रिश्ते होंगे, फाइनेंशियल मैटर्स का क्या सीन होगा, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन और ईयू को मिलकर तय करनी थी, जिस पर ब्रिटेन की संसद को मुहर लगानी थी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इसे लेकर एक प्रस्ताव पेश किया जो ब्रिटेन की संसद ने खारिज कर दिया। कुल 650 सांसदों वाली संसद में इस प्रस्ताव के पक्ष में 202 वोट पड़े, जबकि विरोध में 432 वोट। मोटी बात यह कि खुद थेरेसा की पार्टी के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट डाला, और खबर यह भी है कि इसके बाद थेरेसा मे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया जो गिर गया। इसे आसान भाषा में और समझें तो घर से अलग होने का ऐलान तो कर दिया है, तारीख भी बता दी गई है, लेकिन कैसे अलग होंगे, अलग होकर घर कैसे चलाएंगे, ये तय नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए ब्रिटेन के लोग डरे हुए हैं। दूसरा सवाल, यूरोपियन यूनियन आखिर है क्या बला जिससे निकलने की चर्चा है? 28 देशों का एक समूह है, बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली जैसा। पहले इन सब में खूब लड़ाई होती थी, दूसरा विश्व युद्ध भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था, फिर अकल आई थोड़ी सी, इसके बाद यूरोपियन यूनियन की नींव पड़ी, 6 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की, फिर 1973 को यूनाइटेड किंगडम ने भी ईयू ज्वाइन कर लिया, जिसमें तय हुआ कि सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करेंगे। अब ब्रिटेन इसी यूरोपियन यूनियन से निकलने की कोशिश कर रहा है। तीसरा सवाल, ब्रिटेन निकलना क्यों चाहता है, इसकी सुगबुगाहट कहां से हुई? ब्रेग्जिट, ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना, इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार पीटर विल्डिंग नाम के शख्स ने किया। वे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नाम का थिंक टैंक चलाते थे। इसी थिंक टैंक का मानना था कि ब्रिटिशर्स आर बेस्ट, यानी कि वो जिस बड़ी सी फैमिली में रह रहे हैं उसमें वो सबसे अमीर हैं, और ईयू के साथ रहने में ब्रिटिशर्स का घाटा है। इसी सोच पर उस वक्त के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने वादा किया था कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी 2015 में चुनाव जीतती है तो वो इस पर वोटिंग करवाएंगे। अगला सवाल, फिर हुआ क्या? कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव जीती, 23 जून 2016 को वोटिंग हुई, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पक्ष में ब्रेग्जिट के 51.9% लोगों के वोट पड़े, और विपक्ष में 48.1%, यानी कि फैसला यूरोपियन यूनियन से अलग होने का हुआ। इस फैसले के वक्त काफी विरोध हुआ, विरोध को देखते हुए डेविड कैमरन तक ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अगला सवाल, आगे क्या? अब अलग होने का फैसला तो हो ही चुका है, तो अलग होने के लिए एक समझौता है, लिस्बन ट्रीटी। इसके आर्टिकल 50 में अलग होने वाली बात है। इसके नियम के मुताबिक अलगाव की स्थिति हुई तो इसकी शर्तें मानने के लिए दोनों पक्षों के पास 2 साल का समय होगा। अब थेरेसा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन चुकी थी, 29 मार्च 2017 को अलगाव की प्रक्रिया उनके सामने ही शुरू हुई। इसके 2 साल बाद यानी कि 29 मार्च 2019 को इसे पूरा होना है, लेकिन ब्रिटेन ने अभी तक प्रपोजल ही फाइनल नहीं किया है। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है, जो कि है सवाल नंबर 6, कि क्या ब्रेग्जिट टल भी सकता है? जवाब है हाँ। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिसंबर 2018 में यह फैसला दिया था कि अगर ब्रिटेन चाहे तो अलग होने का फैसला रद्द कर सकता है, उसे बाकी के देशों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल यह भी आता है कि क्या अलग होने की तारीख बढ़ सकती है? इसका भी जवाब हाँ में है। डेडलाइन तक ठोस फैसला नहीं लेने की सूरत में ऐसा किया जा सकता है, दूसरे देशों की परमिशन के साथ, लेकिन थेरेसा मे ऐसा नहीं चाहती, वो 29 मार्च को ही निकल जाना चाहती हैं। संसद में थेरेसा मे अब नया प्रस्ताव सोमवार को पेश करेंगी। क्या ब्रेग्जिट को रोका या दोबारा से रेफरेंडम भी कराया जा सकता है, कई लोग पूछ रहे हैं। इन दोनों का जवाब भी हाँ है। रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, और दोबारा रेफरेंडम के लिए सरकार को पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी। आखिरी सवाल, इस मामले में राजनीति क्या हो रही है? लेबर पार्टी ब्रिटेन का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो चाहता है कि पहले चुनाव हो जाएं, फिर वो डेडलाइन बढ़वाकर अपने हिसाब से ईयू के साथ ब्रेग्जिट की डील तय करे, और अगर चुनाव नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में दोबारा रेफरेंडम करवाया जाए।
लेकिन थेरेसा मे 29 मार्च को ब्रेकअप की तारीख फाइनल कर चुकी है। भारतवासियों को इस खबर पर क्यों नजर रखनी चाहिए? क्योंकि दोनों देशों के बीच कई तरह के ताल्लुकात हैं, कई भारतवासी वहां रहते हैं लाखों की संख्या में, और बिजनेस वाले रिश्ते तो हैं ही। हमारे यहाँ के हजारों स्टूडेंट्स वहां पढ़ने भी जाते हैं, तो ब्रिटेन में जो कुछ भी होगा भारत पर उसका असर पड़ेगा ही।